के खाते में 2,000 रुपए की किस्त आने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान निधि योजना की किस्त आज जारी होगी। वो भी पैसा पहुंचा के रहेगी जाने वाली है पीएम मोदी द्वारा। पीएम मोदी ने इस बारे में ट्विटर के जरिए भी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा, देश के परिश्रमी किसानों के जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और इसी कड़ी में मुझे आज दोपहर 12:30 बजे पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त। किसान भाइयों, अन्नदाताओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और 14वीं किस्त लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें और हमारे चैनल पर अगर आपने तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 14वीं किस्त का पैसा उन्हीं किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा जो किसान भाई आज की इस मेरी वीडियो को देख लेंगे और मेरी बात को समझ लेंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोज बन रही है जिनमें बताया जाता है कि 14वीं किस्त आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, लेकिन आप लोगों को कोई सही जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को रियल और सही जानकारी देने के लिए आया हूँ। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो अब आप लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। आज के इस वीडियो में जो डेट बताऊंगा उसी डेट को पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का पैसा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 14वीं किस्त लेना चाहते हो तो सबसे पहले ये दो काम करवा लो, वरना आपके अकाउंट में 14वीं किस्त का पैसा नहीं ट्रांसफर हो पाएगा और आप 14वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे। नंबर 1 ईकेवाईसी और नंबर 2 भोले का सत्यापन। ईकेवाईसी और भोले का सत्यापन जिन किसानों का कंप्लीट है उन्हीं किसानों के बैंक अकाउंट में 14वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।